बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो से प्रत्याशी वीडी शर्मा कटनी में रहे, जहां उन्होंने नव मतदाता सम्मेलन में युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की। इस दौरान एनडीटीवी की टीम ने वीडी शर्मा से बातचीत, क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते आपको। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी वीडी शर्मा जी आज कटनी में आए हैं यहाँ पर, और युवाओं से नव मतदाता से संवाद किए हैं। यहाँ पर क्या यहाँ पर चर्चा किए गए हैं? यहाँ पर हम उनसे चर्चा करेंगे, यहाँ पर वीडी शर्मा जी से। सर, क्या क्या आपने युवाओं को अभी संवाद किया है? देखिए, जो नया मतदाता है, जो 18, 19 साल, 20 साल के जो पहली बार मतदान करेंगे, उन युवा मतदाताओं को चैनलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, युवा अपनी भूमिका निभाए। विकसित भारत का संकल्प मोदी जी का है, यही युवा 2047 में भारत का किसी न किसी रूप में नेतृत्व करेगा। इसलिए इस चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उनकी चार जातियों का उन्होंने उल्लेख किया, उसमें युवा एक महत्वपूर्ण तौर पर प्रधानमंत्री का फोकस है कि युवाओं के विकास के लिए और युवाओं को जोड़ने का काम ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इस दिशा में इस चुनाव में वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का नए नौजवान मतदाताओं का संकल्प है। अभी विभिन्न सामाजिक उसमें कार्यक्रमों में सामाजिक बैठकें भी हो रही हैं। अभी सिंधी समाज की बैठक थी, अभी बैस समाज की बैठक है, गहुई समाज की बैठक है, अलग अलग समाजों की बैठकें भी इस चुनाव के दौरान हम कर रहे हैं। गुजरात में जिस तरह भाजपा ने आज शुरुआत खाता खोला है, क्या बधाई हो, पहली जीत की शुरुआत हो गई है, और जब परिणाम आएंगे तब और प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 400 पार का नारा पूरा करेंगे। तो ये रहे प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के वीडी शर्मा जी, जिन्होंने बताया यहाँ पर जो यहाँ पर नौ मतदाता संवाद किए हैं, उस पर जानकारी दी कि जिस तरह मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, उस पर उन्होंने युवाओं के साथ संवाद किया है। कटनी से राम बिहारी गुप्ता, एनडीटीवी।